अपने विरोधियों को डराओ, बलात्कार करो, और ये सब अपने राजनीतिक गुर्गों और उनके चेलों की मदद से हो रहा था। दुर्भाग्य की बात यह है कि टाटा नैनो एक प्रोग्राम वहां पे आया और वो जमीन तक वापस छिंदवा ली ममता बनर्जी ने, विकास के रास्ते लगभग बंगाल हो गए। 1911 तक देश की राजधानी थी कलकत्ता, आज मेट्रो में भी उन्हें गिनते नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान के जीएसटी देने वाले टॉप 10 सिटीज की बात करें तो उसमें कलकत्ता का नाम नहीं आता, जबकि वो एक जमाने में टॉप फिर 2 फिर 3 फिर 4 इन शहरों के बराबर का था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बंगाल का दुर्भाग्य है और ममता बनर्जी की अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसकी वजह से तुष्टीकरण की नीति